डीएससी सेकंड सेम में इंग्लिश की आपकी टेक्स्ट बुक आइडिया जनरल से सीरीज में हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है इंडियनाइजेशन ऑफ वॉर रिटन बाय हफ गटमन। बच्चों ये हमारे राइटर हैं और इनकी थोड़ी डिटेल हम समझ लेते हैं। हमारे राइटर की डिटेल में की सीरीज में हम देखते हैं कि इनका जन्म 1943 में हुआ था। अभी ये 77 इयर्स के हैं और स्टैनली हफ गटमन इनका फुल नेम है। ये अमेरिकन एकेडमिक एंड पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मंट, को-ऑथर ऑफ सैंडर्स पॉलिटिकल मेमोयर। कहने का मतलब है ये को-ऑथर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लेखक थे, ये सह लेखक रहे हैं, इन्होंने भी अपना योगदान दिया इसको लिखने में। और को-ऑथर इन द व्हाइट हाउस में इनका योगदान रहा है। जैसे कि इनके वर्क के बारे में हमने देखा कि ये पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं। आगे इनकी डिटेल में देख लेते हैं कि इनकी कुछ बुक्स हैं लिखी हुई, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम हम जान लेते हैं। एक है मैनकाइंड इन बार्बरी, सेकंड बुक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ। एक और इम्पोर्टेंट बुक का नाम है इनका आउटसाइडर इन द हाउस। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं इनकी, लेकिन हमने कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स की ही बात की है। अब ऐसे की डिटेल हम जान लेते हैं जिसका टाइटल है इन ह्यूमेनाइजेशन ऑफ वॉर, यानी युद्ध का अमानवीय पहलू क्या है। यह हमारे एसे का टाइटल है। तो बच्चों इस टाइटल से हमें पता चलता है कि युद्ध की बात की गई है और उसका अमानवीय पहलू क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारे लेखक के क्या विचार रहे हैं, ये हम इस एसे में जानेंगे। तो ये जानते हैं एसे के बारे में। दी एसे वाज पब्लिश्ड इन द स्टेट्समैन आफ्टर अफगानिस्तान वॉर इन 2001, 2001 में अफगानिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद इस ऐसे को द स्टेट्समैन ने पब्लिश किया गया था। बच्चों आपने कमेंट करना है कि जो द स्टेट्समैन है ये कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है या फिर क्या है, ये आपने पता करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर जो 1861 से लेके 1865 तक चला था उसके बारे में भी हमारे ऑथर ने बताया है। और ऑथर ने बताया कि जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में के बीच में जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में क्या कुछ इनके विचार हैं। और टू पोइट्स वॉल्ट विटमन एंड हर्मन मेलविले, इन दो पोइट्स का भी जिक्र किया है हमारे राइटर ने अपने ऐसे में। वो क्या जिक्र है ये हम आगे बढ़ते हैं। वॉल्ट विटमन का जिक्र हमारे राइटर करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो लिरिकल पोइट रहे हैं। और विटमन के डिटेल के बारे में बताते हैं कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था युद्ध के टाइम पे। कौन सा युद्ध? बच्चों पिछले सीरीज में हमने देखा था कि जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था 1861 से लेकर 1865 तक, उस युद्ध के दौरान क्या कुछ घटनाएं हुई थी उसकी डिटेल हमारे राइटर अपने से में बता रहे हैं। बताने के लिरिकल पोइट्स रहे थे वॉल्ट विटमन, और जो विटमन था उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था युद्ध के समय पे। और वो एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने वर्क किया एक नर्स के तौर पर 4 सालों तक युद्ध के हॉस्पिटल्स में। यानी कहने का मतलब है जब 1861 से लेकर 1865 तक जो अमेरिकन सिविल वॉर चला था जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, उस दौरान वॉल्ट विटमन ने एक पोइट होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया था, नर्स के रूप में हॉस्पिटल्स में काम किया था। युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक होते थे या फिर उनकी आवश्यकता होती थी या फिर मृत सैनिकों का जो आगमन होता था हॉस्पिटल में, उन्होंने जो घायल सैनिक थे उनकी देखभाल करी थी। ही वॉज इन फेवर ऑफ द वॉर। अब पोइट हमारे जो वॉल्ट विटमन है इनके बारे में लेखक कहते हैं कि वॉल्ट विटमन वाज इन फेवर ऑफ द वॉर, कि जो अमेरिकन सिविल वॉर था उसके फेवर में थे वॉल्ट विटमन। और उसकी वजह क्या बताई, अमेरिकन यूनियन फॉर द अमेरिकन यूनियन बट सा ओनली पेन। कहने का मतलब है कि वॉल्ट विटमन को लगता था कि जो अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ा हुआ है वह अमेरिका की एकता के लिए बिल्कुल सही है, और विटमन ने इस वॉर को सपोर्ट किया था अपनी तरफ से, बट सा ओनली पेन ब्लड नॉट द विक्ट्री। लेकिन अंत में विटमन ने देखा कि वहाँ सिर्फ हर जगह दुख था, दर्द था, तकलीफें थी,
खून बिखरा पड़ा था, घायल सैनिक की लाशें थी, रोते बिलखते उनके परिवार थे, लेकिन जो उनकी इच्छा थी, उन्हें लगता था कि इस युद्ध में नॉर्थ और साउथ अमेरिका यूनियन हो जाएगी, वो एक हो जाएंगे, और इसलिए उनको लगता था युद्ध सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें युद्ध से क्या मिली, उन्हें सिर्फ हताशा ही मिली। दूसरे पॉइंट के जिक्र हमारे राइटर ने किया है, उनके बारे में कहते हैं कि उन पॉइंट का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था युद्ध में, वॉर कैजुअल्टीज यानी युद्ध के दौरान जो मौतें हुई, जो घायल सैनिक थे जिन्होंने अपने अंग खो दिए, लाइफ टाइम के लिए जो अपंग हो गए, उनको ये हमारे इस सेम सेकंड पॉइंट ने डायरेक्टली नहीं देखा था। जैसे कि वॉल्ट विटमैन ने नर्स के तौर पे काम किया था 4 सालों तक, ये जो दूसरे हमारे पॉइंट रहे हैं, इनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, बट पॉइंट इम्पैक्टेड द रीडर्स, लेकिन इनकी जो कविताएं होती थी वो पाठकों को बिल्कुल सीधे तौर पर प्रभावित करती थी। ही फेल्ट द वॉर सफरिंग फ्रॉम डिस्टेंस, उन्होंने दूरी से ही युद्ध की जो तकलीफें हैं, जो दुख दर्द हैं, उनको महसूस किया। टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, उन्होंने कहा कि यह युद्ध जो था वह मानव इतिहास में एक बदलाव लाने वाली स्थिति थी। वो कैसे इंक्रीजिंगली मैकेनाइज्ड रिप्लेसिंग मैन। अब युद्ध के बारे में डिटेल में हमारे राइटर बताते हैं कि इन्होंने देखा, और इन्होंने इन खुद पॉइंट इन पॉइंट ने भी कहा था कि यह युद्ध है वह मानव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। वो कैसे कि जो इंसानों को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया था, जहाँ पे बहुत पहले हजारों वर्षों की पहले की बात की जाए तो एक सेना इधर थी एक सेना इधर थी, इनका आमने सामने की भिड़ंत होती थी, इधर से सैनिक आते थे इधर से सैनिक आते थे, आमने सामने लड़ते थे, बहादुरी का परिचय तो यहाँ मिलता था जब उनके हाथों में सिर्फ भाले तलवार या फिर उससे पहले भी लाठियां या इस प्रकार के हथियार ही होते थे, और ऐसे सामने सामने की भिड़ंत में जो युद्ध होता था वह स्थितियाँ बदल चुकी थी। अब इंसानों को रिप्लेस कर दिया था इन मशीनों ने, युद्ध का मशीनीकरण हो चुका था, शुरुआत हो चुकी थी, ब्रेवरी बहादुरी को भी रिप्लेस कर दिया था मशीनों ने, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और जो आमने सामने की स्थिति भिड़ंत होती थी उसको भी मशीनों ने रिप्लेस कर दिया था। अब क्या होता है, कंप्यूटर के जैसे स्क्रीन पे बैठ के जिसने मिसाइल को लॉन्च करना है या फिर जिसने अत्याधुनिक हथियारों को ऑपरेट करना है, वो एक रूम में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ वो देखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को, और वहाँ से बटन को ऑन करते हैं, और इस प्रकार से जो भी उनके कंप्यूटराइज्ड जो हथियार होते हैं वो अपना कार्य कर देते हैं। आगे हमारे पॉइंट कहते हैं वॉर येट शैल बी बट वॉरियर्स, और हमारे जो पॉइंट हैं उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि युद्ध तो होंगे, युद्ध भी रहेंगे, लेकिन जो वॉरियर्स हैं वो नहीं होंगे, लड़ाई होगी लड़ाके नहीं होंगे, युद्ध होंगे युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी जो ये भविष्यवाणी थी युद्ध के बारे में की गई थी वो बिल्कुल सच हो गई है। बात 1861 के समय पे जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, आज 2021 की बात है, तो इतने वर्षों में ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो चुकी है। हमारे राइटर कहते हैं वो किस प्रकार से कंप्यूटर गाइड फ्रॉम ओवर 16 किलोमीटर एल्टीट्यूड एरोप्लेन कैन ड्रॉप बॉम्ब। अब हमारे राइटर कहते हैं कि जो गाइड हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं, वो 60 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर ऊपर बैठे होंगे हाइट पर, और उनके द्वारा जो कंप्यूटराइज एरोप्लेन हैं वो बॉम्ब गिराएंगे, इंसानों को सीधे युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। और जो ड्रोन प्लेन होते हैं वो भी क्या करेंगे, दुश्मन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, मिसाइल को फायर कर सकते हैं, इंसानों को पार्टिसिपेट करने की अब जरूरत बिल्कुल भी नहीं रही है, ये हमारे राइटर का कहना है। बॉम्बर्स यूज्ड इन WW2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भी इसी प्रकार के बॉम्बर्स की यानी बम्बों की बम्स की वर्षा करने वाले एरोप्लेन का प्रयोग किया गया था, जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेज फॉर इन अफगानिस्तान वॉर विदाउट हार्म।
द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र कर दिया है, अफगानिस्तान युद्ध का जिक्र कर दिया, जिसमें अमेरिकन सैनिकों ने बिना किसी नुकसान के दुश्मनी ठिकानों को तबाह कर दिया था और वहां पे भी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी के हथियारों का उपयोग किया गया था। अब हमारे राइटर कहते हैं कि वन नेशन कैन ब्रिंग डाउन डिस्ट्रक्शन ऑफ अनदर वन विदाउट एनी वॉरफेयर, युद्ध में भाग लिए बिना ही जो एक देश है वह दूसरे देश को हरा सकता है, उसके लिए नुकसान ला सकता है, उसके लिए विनाश ला सकता है। किस प्रकार से युद्ध का जो मशीनीकरण हो गया है। बच्चों कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं, कंक्लूड करते हैं अपनी बात को। राइटर कंक्लूड करके कहते हैं कि रोबोट्स ने, कंप्यूटर्स ने और जो स्मार्ट बॉम्ब थे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया है हमारे युद्ध के मैदान को, और जो युद्ध का मैदान है, जो आज के समय जो लड़ाइयां होती हैं, जो युद्ध होते हैं, वो वीडियो गेम की तरह हो गए हैं। वीडियो गेम क्या होता है? वीडियो गेम में हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, यहाँ पे आप बैठ के जो आपके कंडक्ट करने वाले जो रिमोट होते हैं उनको हाथ में लेके स्क्रीन पे आपको कुछ दिखेगा, आप इससे जुड़े हुए रिमोट से आप कुछ ऑपरेट करोगे और कंप्यूटर पे आपको रिजल्ट दिखेगा। और उसी प्रकार से जो रियल में आज कंडीशन हो गई है, यहाँ पे बैठे होंगे ऑपरेटर जो ऑपरेट करेंगे, उनके हाथ में रिमोट होंगे और स्क्रीन पे उन्हें युद्ध का जो फील्ड है वो दिखेगा और वो ऑपरेट करेंगे, बटन दबाएंगे और उनके द्वारा छोड़ी गई मिसाइल्स जो इफेक्ट करेंगी वो उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएगा। बच्चों एक होगा कंप्यूटर गेम, एक होगा जो रियल में वॉर चल रहा है लेकिन उसमें आपने सामने सीधे जाकर पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें क्या डिफरेंस है? राइटर कहते हैं कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है। आप कंप्यूटर में युद्ध लड़ते हैं, कंप्यूटर वीडियो गेम में युद्ध लड़ते हैं, और आप रियल में कोई लड़ाई या कोई युद्ध है उसमें भी आपने मिसाइल को कंप्यूटर स्क्रीन पे बस देखा है और आपने लॉन्च कर दिया मिसाइल को, क्या डिफरेंस है? कुछ भी तो डिफरेंस नहीं। जिस प्रकार से कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने वाले जो प्लेयर होते हैं उन्हें जो एहसास होता है, रियल वर्ल्ड का यही एहसास तो अब बच गया है। वीडियो गेम फॉट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन अनसीन अनफेल्ड, ना तो ऐसे युद्ध को देखा जाता है ना ऐसे युद्ध को महसूस किया जाता है, अनदेखा और महसूस किए बिना अनछुए युद्ध रह जाते हैं, ऐसा हमारे राइटर का कहना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हमारे कंक्लूजन के तौर पे हमारे राइटर कहते हैं डार्कनेस ऑफ 21st सेंचुरी, हम जो 21वीं शताब्दी के अंधकार में प्रवेश करने जा रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं। टेररिज्म ऑन वन हैंड, 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते समय जिन जिन अंधकारों का हमें सामना करना पड़ रहा है उनमें एक तरफ तो है आतंकवाद की समस्या और दूसरे है इनह्यूमन पोटेंशियल एंड मैकेनाइजेशन ऑफ दी अदर, और जो इंसानों का जो पोटेंशियल है और जो युद्ध का मानवीयकरण की बजाय युद्ध का जो कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजीज ने जो उसको ओवरलैप कर दिया है और जो मशीनीकरण हो गया है और अमानवीय पहलू जो युद्ध का हमें दिखता है, अमानवीय पहलू की जो बात की गई है, यह 21वीं शताब्दी का जो अंधकार है उनमें से बड़ा खतरा इंसान के लिए यह है। तो बच्चों आई होप आपको ये कंक्लूजन बिल्कुल समझ आया होगा, आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर।